आज जिस चीज के बारे में बात करने वाला हूँ, अपने जीवन के सत्य के बारे में बात करूंगा कि अपने जीवन का सबसे बड़ा सत्य क्या है, क्योंकि उस चीज को समझना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि लाइफ के रिगार्डिंग उस चीज को बहुत ही सही तरीके से समझना होता है दोस्त। और ऐसे समझ सकते हो कि इस धरती पे जन्म लेने का सत्य बस एक ही चीज है, और इस धरती पे जन्म होने का मतलब ही होता है जीवन और मृत्यु। अपने पूरे लाइफ का यही एक सत्य है, और इससे बड़ा सत्य कुछ भी नहीं। और इस दुनिया में कोई ऐसा व्यक्ति नहीं, कोई ऐसा इंसान नहीं जो इस सत्य को झूठा साबित कर दे। लेकिन बड़ा सिंपल सा फैक्ट है इस चीज़, क्या सचमुच हमारे शरीर में प्राण होना जीवित व्यक्ति का पहचान होता है, और शरीर से प्राण निकल जाना एक मृत व्यक्ति का पहचान होता है। ऐसे समझो, अगर शरीर के अंदर जब तक प्राण है तब तक आप जीवित हो, और शरीर से प्राण निकल गया तो आप मर जाते हो, आपका बॉडी किसी काम का नहीं रह जाता है। बस इस चीज़ को समझना इसलिए ज़रूरी है दोस्त, क्योंकि आज जिस चीज़ को मैं क्लियर करूँगा बहुत ही इंपॉर्टेंस रखता है अपने लाइफ के रिकॉर्डिंग। नमस्कार दोस्त, मैं रुपेश शर्मा, मोटिवेशनल स्पीकर एंड लाइफ कोच। तो आज जिस चीज़ को समझने वाले हैं उस चीज़ को सबसे पहले क्लियर करता हूँ, जैसे कि हर वीडियो में क्लियर करता हूँ। होने वाला जो टॉपिक है उस टॉपिक को सबसे पहले समझ लेते हैं कि आज का टॉपिक क्या होने वाला है। तो स्पेशली आज का टॉपिक यही होने वाला है दोस्त, कि आप अपने जीवन में जिंदा हो या मुर्दा, क्योंकि इस धरती पे जन्म लेना और मर जाना ये एक सत्य है, और यही चीज़ माना जाता है और समझा जाता है। लेकिन इससे भी बड़ा सत्य ये है दोस्त, कि आपका जो जीवन है, जो अपना लाइफ जी रहे हो, क्या उस लाइफ में सही में जिंदा हो या मुर्दा हो, या जी रहे हो या मर रहे हो, सबसे ज़्यादा ज़रूरी इस चीज़ को समझना है अपने चीज़ के रिकॉर्डिंग और अपने लाइफ के रिकॉर्डिंग, जो मैं इस चीज़ को क्लियर करना चाहता हूँ, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंस रखता है दोस्त। क्योंकि इस धरती पे जन्म लेने का मतलब हुआ कि जन्म लिया तो मरना कन्फर्म है, इसको कोई नहीं टाल सकता। लेकिन सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम इस चीज़ के रिकॉर्डिंग आता है कि बहुत सारा व्यक्ति अपना लाइफ, अपना जीवन जीते जीते जीता है या मरता है, पता नहीं वो अपने लाइफ में जिंदा भी है कि मुर्दा है, वो खुद नहीं समझ पाता है। और मैं इस चीज़ को ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, अभी थोड़ी देर में क्लियर करता हूँ, आप सही तरीके से समझ पाओगे। इस चीज़ को क्लियर करने का बड़ा सिंपल सा फैक्ट है दोस्त, इस चीज़ को समझना कि मैं इस चीज़ को क्लियर क्यों करना चाहता हूँ। क्योंकि बहुत सारे पर्सन अपने लाइफ के रिकॉर्डिंग, अपने जीवन के रिकॉर्डिंग, टारगेट, ड्रीम सब कुछ बनाते हैं और उस चीज़ पे वर्कआउट नहीं करते हैं, किसी न किसी रिस्क की वजह से, किसी न किसी कंडीशन की वजह से, और किसी न किसी सिचुएशन की वजह से अपना टारगेट और ड्रीम कभी भी पूरा नहीं कर पाते हैं। स्पेशली इसी चीज़ को समझने के लिए आज का टॉपिक कर रहा हूँ दोस्त, मोस्ट इम्पॉर्टेंट होगा, थोड़ा सही तरीके से समझना बहुत ही सही ढंग से समझ पाओगे। क्योंकि लाइफ में, क्योंकि बड़ा सिंपल सा फंडा है दोस्त, मैं तो ऐसे ही समझता हूँ, अगर अपने लाइफ में जो टारगेट बनाया, ड्रीम बनाया, अगर उस चीज़ को अचीव नहीं किया तो लाइफ तो कोई मतलब का है नहीं, वो जिंदा है नहीं व्यक्ति, वो तो मरदा ही है, मर ही गया है। क्योंकि मैं बड़ा सिंपल तरीके से समझता हूँ कि अगर टारगेट, ड्रीम, क्योंकि जैसा मैं अपना लाइफ चाहता हूँ वैसे अपने लाइफ को नहीं बना पाया, तो इस लाइफ को जीना और मरना किसी मतलब का नहीं रह जाता है, ना तो जीवन रहता है ना तो मृत्यु रहती है, वो व्यक्ति जीते जीते ही मर जाता है, क्योंकि कुछ भी अपना कंप्लीट नहीं कर पाता है। इसलिए दोस्त इस चीज़ को समझना है, बड़ा सिंपल सा चीज़ है, इस चीज़ को समझना दोस्त, क्योंकि जो भी काम हम लोग करते हैं अपने लाइफ के रिकॉर्डिंग, अपने जीवन को सर्वाइव करने के लिए, किसी भी काम को करते हैं, उस काम को करने जाने के रिकॉर्डिंग, उस काम को करने के रिकॉर्डिंग अपने दिन का 8 से 10 घंटा लगता है। बड़ा सिंपल सा बात है इस चीज़ को समझना, कि जो भी आप जॉब करते हो, बिजनेस करते हो, एनीथिंग मोर देन, कोई भी कंडीशन हो सकता है, आप कुछ भी करते हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन करते तो हो, इतना तो कन्फर्म है। तो बड़ा सिंपल सा बात है इस चीज़ को समझना, 8 से 10 घंटा तो उस जॉब को करने में लग जाता है। क्योंकि बड़ा सिंपल सा फैक्ट है इस चीज़ को समझना कि मैं इस चीज़ को क्यों क्लियर कर रहा हूँ, इसलिए क्लियर कर रहा हूँ कि बहुत सारे व्यक्ति अपना काम जो भी करते हैं, अपना जॉब जो भी करते हैं, बिजनेस जो भी करते हैं, क्योंकि मैं बड़ा सिंपल तरीके से इस चीज़ को समझता हूँ कि अगर काम को करने के रिकॉर्डिंग जो भी आप काम करते हो, अगर उस काम को करने से अगर खुशी नहीं मिलती है तो काम आपको किसी काम का नहीं है। बस ऐसा समझ सकते हो कि आपका फ्रस्ट्रेशन का कारण बन जाता है वो आपका वर्क, जो भी आप वर्क करते हो। क्योंकि बड़ा सिंपल सा फैक्ट है कि हम अपने पूरे दिन के 24 घंटे का टाइमिंग 8 से 10 घंटा उस जगह पे निकालते हैं जिस काम को करने में कोई इंटरेस्ट नहीं है, कोई खुशी नहीं मिलती, कोई मज़ा नहीं आता, वहाँ पे जाके हम अपने पूरे दिन का जो शेड्यूल है उसमें से 10 घंटा और 8 घंटा वहाँ पे निकाल कर आ जाते हैं। और वहाँ से आने के बाद जो भी पंगा होता है, बड़ा सिंपल सा है इस चीज़ को भी समझना, क्योंकि जो भी व्यक्ति काम करता है, जॉब करता है, बिजनेस करता है,
अगर वो अपने रिकॉर्डिंग जॉब नहीं करता है, अगर उस काम को करने में उसको मज़ा नहीं आता है, खुशी नहीं मिलता है, तो 100% कन्फर्म हो जाना कि वो व्यक्ति इरिटेड, फ्रस्ट्रेटेड, दुखी हो जाता है। क्योंकि बड़ा सिंपल सा फैक्ट है कि जहाँ पे खुशी नहीं मिलेगी वहाँ 10-10 घंटा रोज बिताना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो वैसे ही कोई व्यक्ति वहाँ पे फ्रस्ट्रेटेड, दुखी हो जाएगा, तो उसका फ्रस्ट्रेशन कहाँ पे निकलता है, इस चीज़ को समझना। उस व्यक्ति का फ्रस्ट्रेशन अपने फैमिली के रिकॉर्डिंग, अपने बच्चों के रिकॉर्डिंग, अपने वाइफ अपनी बीवी के रिकॉर्डिंग निकलता है, लेकिन वो व्यक्ति इस चीज़ को नहीं समझ पाता है, वो इंसान कभी भी इस चीज़ को नहीं समझ पाता है कि जिसके लिए मैं इतना ज़्यादा मेहनत करता हूँ, अपना 8-10 घंटे का काम करता हूँ, जिनके खुशी के लिए मैं इतना सारा काम करता हूँ, उन्हीं को मैं दुखी करता हूँ। किसकी वजह से? उसका रीजन कोई नहीं है, क्योंकि बहुत सारे फैमिली में और बहुत सारा फैमिली दुखी होता है बस उस घर के मेंबर के रिकॉर्डिंग। जो भी आपका फैमिली है, जो भी बीवी बच्चा जो भी है, उनको दुखी करते हो क्यों? क्योंकि आप अपने काम के रिकॉर्डिंग फ्रस्ट्रेटेड होते हो, दुखी होते हो, तभी जाके उनको दुखी करते हो। लेकिन कंडीशन और सिचुएशन के रिकॉर्डिंग आप उनको खुश रखने के लिए और उनकी ज़रूरत पूरा करने के लिए आप उस काम को करते हो। लेकिन बड़ा सिंपल सा फैक्ट है दोस्त कि जिसकी खुशी के लिए आप सब कुछ करते हो, जाने अनजाने में आप ही उन लोगों को दुखी भी करते हो। बड़ा सही तरीके से इस चीज़ को समझना, क्योंकि आपका काम आपको फ्रस्ट्रेटेड बनाता है। तो दोस्त मैं इस चीज़ को इसलिए क्लियर करना चाहता हूँ कि जो भी आपका टारगेट, ड्रीम, डिजायर जो भी आप बनाते हो, उस पर वर्कआउट करो। और मैं बड़ा सिंपल तरीके से, बड़ा सिंपल सा फंडा के साथ समझता हूँ मेरे रिकॉर्डिंग, मैं जैसे लाइफ और डेथ का डिफिनेशन समझता हूँ। मैं ऐसा साबित नहीं करना चाहता कि किसी बुक में या कहीं पर लिखा हुआ है, ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। और मैं इस चीज़ को ऐसे ही समझता हूँ कि लाइफ और डेथ का जो इंट्रोडक्शन होता है, ऐसे ही मैं समझता हूँ जीवन में अपने जिंदा है। मैं तो ऐसे ही समझता हूँ, जो भी व्यक्ति जिंदा है, अगर अपने काम के रिकॉर्डिंग जो भी काम करता है, उस काम को करके उसको खुशी मिलता है, वही व्यक्ति रियली में और एक्चुअल में अपने लाइफ में जिंदा रहता है। क्योंकि एक खुश व्यक्ति ही अपने परिवार को खुश रख सकता है। और मैं मुर्दा उस व्यक्ति को बोलता हूँ कि जो किसी डर से, किसी दबाव से, किसी कंडीशन के रिकॉर्डिंग किसी भी काम को कर रहा है, बट उसको उस काम में कोई मन नहीं है, उस काम को जोर जबरदस्ती से कर रहा है किसी कंडीशन और सिचुएशन के रिकॉर्डिंग, तो व्यक्ति तो वैसे ही मर गया है। उसको तो जिंदा और मुर्दा में कोई फर्क ही नहीं है। क्योंकि बड़ा सिंपल सा फैक्ट है दोस्त, इस चीज़ को समझना कि बुढ़ा होने के लिए कुछ नहीं करना पड़ता है, बस बैठे रहो आराम से बुढ़ा हो जाओगे। 50-60 साल वैसे ही निकल जाएगा अपने लाइफ का, आपके ज़िंदगी का। लेकिन जब 60 साल बाद जाके वहाँ पे उस चीज़ को सोचोगे कि मैं जो करना चाहता था किया या नहीं किया, मैंने जिस खुशी, जो भी अपने फैमिली के रिकॉर्डिंग, जो भी अपना टारगेट ड्रीम के रिकॉर्डिंग करना चाहता था वो किया कि नहीं किया, तब जाके आपको उस टाइम पता चलता है कि मैं तो 25-30 साल पहले ही मर चुका था, आज मरना ही है। तो बड़ा सिंपल सा फैक्ट है दोस्त कि शरीर का मर जाने से ज़्यादा बढ़िया है कि आपका जो जीवन है वहाँ पे, जो जीवन में आप जिंदा मुर्दा ऐसे समझते हो ना, उस चीज़ को सही तरीके से समझो और अपने लाइफ को सही तरीके से सर्वाइव करो। तो दोस्त आज के लिए बस इतना ही, कल फिर मिलूंगा एक नए कंटेंट, एक नए टॉपिक के साथ। थैंक्स।